नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को फटाफट देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लें, वीडियो को 360p में देखें, अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करिए। सवाल पढ़ लिया है, इसको देखिए सॉल्व करते लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो सबसे पहले पटरी को लेकर आप लोग 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर हमारा एक रेखाखंड हो गया है, ए बी एक हमारा रेखाखंड हो गया है, ए बी रेखाखंड हो गया है हमारा, ए और ये बी, ये कितना हो गया है दोस्तों, ये हो गया है हमारा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी हो गया है। अब सवाल में कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ए को केंद्र मान लीजिए और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पट्टी में भर लेते हैं, इस पट्टी से आपका प्रकार भर लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गई हमारी, ठीक है। कितनी दूरी हो गई हमारी, 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई है हमारी। देखिए, चाहे इस पर नाप लीजिएगा आप लोग 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हमारी 4 सेंटीमीटर यहीं पर तो हुई जाके है, ये दूरी हो गई हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर दूरी हो गई। और कह रहा है ए को केंद्र मानकर चाप लगाइए, तो चार इसको ए को केंद्र मान लेंगे, एक वृत्त खींच देंगे हम। तो देखिए, वृत्त जब खींचेंगे तो प्रकार प्रकार को सही खींचे रखिएगा और एक वृत्त खींच लीजिएगा। देखिए, यहाँ से खींच देंगे वृत्त को। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा ये वृत्त, ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारा वृत्त खिंच गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर, सवाल कह रहा था ना कि 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर एक हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है दोस्तों, ये केंद्र ए को मानकर। अब कह रहा है आगे कि बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। अब बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी को माप लीजिए, ये यहाँ तक हुई है, तो यहाँ से इतनी दूरी हुई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो बी को केंद्र मानकर आप लोग क्या कीजिए, एक वृत्त और खींच लीजिए, ये ठीक है। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त खींच दीजिए, खींच दीजिएगा, देखिए इस प्रकार से ये वृत्त खींच दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ए को केंद्र मानकर मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दीजिए और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा अगर आप लोग इसकी क्वालिटी को बढ़ा लें थोड़ा सा। और देखिए, इसके बाद में कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब कि इस वृत्त के केंद्र से, यहाँ से इस वृत्त बी केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए और बी केंद्र वाले से ए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, इतना कह रहा है। तो देखिए, इसके लिए अगला स्टेप हमारा क्या है कि अब हम इसका ए बी का अर्धक करेंगे। ए बी का अर्धक, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे इधर, और इसी प्रकार से यहाँ से एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे और इन रेखाओं को देखिए मिला देंगे। जब हम इन रेखाओं को देखिए मिला देते हैं, देखिए मिलाने पर ये रेखाएं ये भी देखिए मिल गई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि ये बिंदु है हमारा, मान लेते हैं इसको बिंदु, ये हमारा बिंदु ए बी, ये हमारा बिंदु सी है, ठीक है। अब तो बिंदु सी से ए की दूरी लेकर, ये सी ए दूरी लेकर हमें, ये सी और ये ए बिंदु की इतनी दूरी लेकर अब हमें क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है। वृत्त खींचिएगा, चलिए देखिए, ये वृत्त खींचना है हमें, सही से खींचिएगा आप लोग भी इसको, ये इस प्रकार से खींचना है कि ये भी दोनों से होकर जाए, ये इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा रह गया, इसको भी खींच देते हैं इधर। तो आपको भी इतना करना है, ये तो मैंने ये वृत्त खींच दिया है, ठीक है। ये वृत्त खींच जाने के बाद अब कह रहा था कि प्रत्येक केंद्र से दूसरे वृत्त के वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब सबसे पहले इनकी त्रिज्याओं को मिला लेते हैं हम। तो मैंने जब इसकी त्रिज्या को मिलाया तो देखिए, ये देखिए यहाँ से जहाँ पर वृत्त को काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है पॉइंट, एक यहाँ पर, और बी वाले को एक यहाँ पर,
और ये यहाँ पर दो बिंदु पे काटता है तो मिला दिएगा त्रिज्या को। इसको त्रिज्या मिलाएंगे, जब देखिए क्या मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक है, देखिए इसको मिला देते हैं हम, और इसके बाद देखिए इसको यहाँ से मिला देते हैं हम, यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे, इसको भी यहाँ से मिला देते हैं यूँ, ठीक है। ये मिला दीजिएगा, ये मिला जाने के बाद इससे भी मिला दीजिएगा, देखिए इसको मिला दीजिएगा, ये है त्रिज्या, इसके इसको मिला दीजिएगा, ठीक है, और इससे इसको मिला दीजिएगा, ठीक। इतना काम हो जाने के बाद अब कह रहा है केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो बिंदु अगर हम बी से स्पर्श रेखा खींचेंगे ए पर, तो देखिए एक हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये बिंदु से खींचिए तो ये एक हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा खींच गई है, और इस पर खींचना है ये इसके केंद्र से, इस पर रेखा खींच गई वृत्त पर, ए वाले केंद्र वाले वृत्त पर खींच गई है। अगर हम ए केंद्र से खींचें तो देखिए बी पर खींचेगी इस पर रेखा हमारी, एक हमारी इस पर रेखा हो जाएगी ये, ठीक है, तो हमारी एक इस पर रेखा ये हो जाएगी इधर, और हमारी एक इस पर रेखा इधर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, एक इस पर रेखा हमारी ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस पर रेखा हमारी ये हो गई है, तो इस प्रकार से इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम एस, इसका नाम टी, ठीक है। तो हमारे केंद्र ए से जो वृत्त, दूसरे वृत्त ओ वृत्त केंद्र बी वाले वृत्त पर जितना खींची हुई है हमारी ए एस, और ये खींची हुई है ए टी, ठीक है, और बी केंद्र से हमने ए केंद्र वाले वृत्त पर जिस पर रेखा खींची, ये खींची हुई है बी पी और बी क्यू, तो ठीक है। तो आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, देखिए समझाते हैं फिर से एक बार कि इसकी रचना अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको रचना लिखना हो तो आप रचना कैसे लिखेंगे, देखिए रचना लिखने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं, इसके लिए देखो लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचा, फिर क्या गया, फिर बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त बनाया, फिर बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक वृत्त बनाया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया यहाँ पर कि ए बी रेखा का अर्धक किया, ए बी रेखा का अर्धक किया है यहाँ पर, ए बी रेखा को आधा किया है, ए बी रेखा का अर्धक किया है, ए बी रेखा का अर्धक करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने सी मान लिया है, तो फिर ए सी को दूरी लेकर बिंदु सी को हमने केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया है, जो वृत्त खींचा है वो ए केंद्र वाले वृत्त को, जो वृत्त हमारा ए केंद्र वाला वृत्त था, इसको पी और क्यू पर काटता है, और बी केंद्र वाले वृत्त को एस और टी पर काटता है। फिर मैंने क्या क्या कह रहा था, प्रत्येक केंद्र से दूसरे वृत्त के केंद्र पर इस पर, दूसरे वृत्त पर इस पर रेखा खींचिए, तो इसका केंद्र ए था, हमने इससे इस पर रेखा खींची है, तो ए एस इस पर रेखा हो गई, और ए टी इस पर रेखा हो गई, जब मैंने बी से खींची है तो एक बी क्यू इस पर रेखा हो गई, और बी पी इस पर रेखा हो गई। इस प्रकार आपके बिंदु ए से जो इस पर रेखा खींची गई हैं, बिंदु ए से वो इस पर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए एस है और हमारी ए टी है, ठीक है दोस्तों। और जो बिंदु बिंदु जो बी से रेखाएं खींची गई हैं तो वो कौन कौन सी है, बिंदु बी से एक बी पी खींची गई है और हमारी एक बी क्यू खींची गई, तो इस प्रकार से हमारी इस पर रेखाएं खींची गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।